फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ लाउंज। आज मैं बनाई हूँ बहुत टेस्टी इंस्टेंट कॉफ़ी, जिसको हम बहुत जल्दी, बहुत आसानी से, विदाउट बिटर इस्तेमाल किए हुए इसको रेडी करेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं जी। तो फ्रेंड्स, इंस्टेंट कॉफ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मिल्क को रख दिया चूल्हे पर गर्म होने के लिए, और इसको हम अच्छी तरह से गर्म करें। 10 मिनट तक इसको हम पकाएंगे ताकि अच्छे से दूध ठीक हो जाए और बहुत टेस्टी हमारी कॉफ़ी बन के रेडी हो जाए। जब तक ये गर्म हो रहा है, हम कॉफ़ी को बीट कर लेते हैं। एक कप कॉफ़ी बनाने के लिए हम 2 कप दूध जो है उसको पका लेंगे अच्छे से, जो तकरीबन हाफ क्वांटिटी में रह जाएगा। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ नेस्कैफे इंस्टेंट कॉफ़ी 3 in 1। आप कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले ही साशे को पूरे का पूरा एक कप में डाल रही हूँ। आप चाहें तो इस कॉफ़ी को पानी के साथ भी रेडी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं मिल्क का यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत टेस्टी बनती है इस तरीके से। और यहाँ पे क्योंकि ये इंस्टेंट कॉफ़ी है, इसमें मैं शुगर भी ऐड नहीं करूँगी। अगर आप दूसरी वाली यूज़ कर रहे हो तो आप बीच में शुगर ऐड कर लें। लेकिन एक चीज़ ऐड करती चलूँ, मैं यहाँ पर कोई भी क्रीम या कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ मिल्क के साथ ही इसको रेडी करूँगी जी। यही मिल्क जो बॉयल होने के लिए रखा था, उसी में से जस्ट थोड़ा सा 1-2 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसी के साथ मैं इसको बीट करूँगी। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा और डालती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे इसको, हमें थिक सा ही मिक्सचर रेडी करना है। जी जस्ट इतना काफ़ी है। इसी के साथ हम स्पून की हेल्प से इसको बीट करते जाएंगे, और इतना बीट करेंगे कि ये क्रीमी वाइटिश इसकी लुक आनी शुरू हो जाएगी। आप देखिए, स्टार्ट में इसका कलर हमें डार्क ब्राउन नज़र आएगा, और ऐसा ऐसा बीट करते करते इसका कलर सारा लाइट शेड हो जाएगा इसका, ब्राउनिश। बगैर किसी कॉफ़ी बीटर के बहुत मज़े की ये कॉफ़ी हमारी रेडी हो जाएगी। जी तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये कलर इसका आ चुका है कॉफ़ी का, और मिल्क भी हमारा बॉयल हो चुका है। मिल्क भी बहुत अच्छे से बॉयल हो रहा है, और आप देखिए इस पर बहुत अच्छी सी बबल टाइप की क्रीम आ चुकी है, और इसी तरह से हमें रिक्वायर्ड था। अब हम क्या करेंगे, पहले मिल्क लेंगे कप में, इसमें हम ऐड करेंगे कॉफ़ी ऊपर से। जी इस तरीके से करते हुए हम कॉफ़ी ऐड करते जाएंगे, और हल्का हल्का हम इसको स्पून की हेल्प से मिक्स करते जाएंगे, और आप देखिएगा कि बहुत ज़बरदस्त ये रेडी होने जा रही है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसमें मिक्स करने के बाद मिल्क और ऐड करूँगी, और कप जो है इसको हम फुल कर लेंगे जी। अगेन इसमें थोड़ी सी कॉफ़ी और ऐड कर रही हूँ, और जस्ट ये हमारी कॉफ़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत टेस्टी, बहुत यमी और बहुत क्विकली। आप देखें, 5 to 10 मिनट्स के अंदर कॉफ़ी हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसको ट्राई कीजिए, अपने मेहमानों को सर्व कीजिए, या इवनिंग टाइम में, मॉर्निंग में, जब भी आपको मूड हो इस तरह से आप इसको बनाइए तो ट्राई कीजिएगा, और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलेगा। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, बहुत सारी दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह ताला आपको और हमें, हमारे मुल्क को, सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।